हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंकिताज किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी स्प्राउट्स चाट की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसे स्प्राउट्स का सैलेड भी बोल सकते हैं। बनाने में ये जितना आसान है ना, खाने में ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है। बहुत आसान तरीके से मैंने इस चाट को बनाना आपको बताया है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। स्प्राउट्स चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए स्प्राउट्स। यहाँ पे आप साबुत मूंग जो होता है उसे भिगो दीजिए 7 से 8 घंटे के लिए। उसके बाद उसे छान के किसी भी कपड़े या फिर एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। एक ही दिन में स्प्राउट्स निकल आएंगे, क्योंकि अभी गर्मियों का दिन है ना, तो स्प्राउट्स काफी जल्दी बन जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे मूंग और चना को मिला के स्प्राउट्स बना सकते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसे करेंगे ब्लांच, मतलब हल्का सा उबालेंगे। बहुत बार कच्चा मूंग या स्प्राउट्स खाने से ना ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हल्का सा इसे सिर्फ ब्लांच कर देंगे तो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक कुकर ले लीजिए, किसी भी पैन में भी आप इसे ब्लांच कर सकते हैं, और उसमें डाल देंगे स्प्राउट्स और आधे ग्लास से थोड़ा सा ही कम पानी यहाँ पे डालेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है। अगर यहाँ पे ज़्यादा पानी डाल देंगे तो उसे बाद में हमें निकालना पड़ेगा, जो कि वेस्ट होगा। तो थोड़ा सा ही पानी डालना है, उसके बाद डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक और बढ़िया से मिला के मीडियम फ्लेम पे हम इसे ढक के ब्लांच कर लेंगे। मतलब हमें सीटी नहीं लगानी है, प्रेशर नहीं लगाना है, किसी भी ढक्कन से आप ढक दीजिए और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम इसे ब्लांच कर लेंगे। इससे ये कच्चा भी नहीं रहेगा और इसमें जो क्रंच है ना वो भी बना रहेगा। ये देखिए, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और पानी जो है ना वो भी ड्राई हो गया है। बहुत ही थोड़ा सा पानी है, वो अपने आप ही ये सूख लेगा। तो बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, ये थोड़ा क्रंची भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये ब्लांच हो गया, फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब बनाते हैं इसकी चाट और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, प्रेशर कुकर में बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये देखिए, काफ़ी अच्छी तरीके से ये ब्लांच हो गया है। अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया। अब डाल देंगे ये ब्लांच किया हुआ स्प्राउट्स। हेल्दी तो है ही, साथ में खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसे रफली चॉप किया है मैंने। आप चाहे तो बारीक भी कट कर सकते हैं। और एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, इसे भी रफली चॉप किया है। साथ ही डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू, और इसे भी मैंने रफली चॉप किया है। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च को थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद डालेंगे यहाँ पे फ्रेशनेस के लिए धनिया पत्ता। बिना धनिया के तो कोई चाट या रेसिपी पूरी नहीं होती है। अब यहाँ पे जाएगा आधी छोटी चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तीखा जितना आप पसंद करते हो ना, उतना ही आप इसमें डालिए। यहाँ पे आधी छोटी चम्मच के जितना जीरा पाउडर डाल दिया है। आधी चम्मच डाल दिया है मैंने नमक। नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किया था, इसलिए हिसाब से डालेंगे। और इसके बाद जाएगा आधी छोटी चम्मच के जितना चाट मसाला। बहुत सारे मसालों को यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। और लीजिए इसे थोड़ा चटपटा टैंगी बनाने के लिए 1 चम्मच के जितना नींबू का रस। इन सारी चीज़ों को हम मिला देंगे बढ़िया से, ताकि सारे मसाले जो है ना वो चाट में अच्छे से मिल जाए। इतना टेस्टी, इतना हेल्दी ये चाट है ना, कि आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। क्योंकि अभी गर्मियां हैं, बहुत तलब होना, खाने का भी मन नहीं है। कुछ ऐसा खाने को मिल जाए जिससे हम थोड़े हेल्दी भी रहें और साथ ही साथ स्वाद भी ना बिगड़े। मतलब हेल्थ के नाम पर दिमाग में आता है कि कुछ ऐसा वैसा ही मिलेगा, जी नहीं। अगर आपके यहाँ गेस्ट आते हैं ना, तो शाम को चाय की जगह पर आप इसे बना के दीजिए, उनको बेहद पसंद आएगा, बेहद पसंद आएगा। इतनी टेस्टी है रेसिपी। यहाँ पे थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से बाकी सारे मसाले और नमक परफेक्ट है। आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, उसके हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। लीजिए हमारे स्प्राउट्स की मज़ेदार चाट या फिर सैलेड प्रेजेंट है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, थोड़ा वेट लॉस करना चाहते हैं, तो भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। आप इसमें पनीर या फिर टोफू के पीसेस ऐड कर सकते हैं, जिससे ये और प्रोटीन रिच हो जाएगा। सर्व करने से पहले थोड़ा सा हम डाल देंगे यहाँ पे चाट मसाला और लाल मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा ही डाल देंगे इसमें नींबू का रस, जिससे ये थोड़ा और टैंगी हो जाएगा। जो ठेले पे मिलती है ना चाट, एकदम वैसी वाली चाट हमने घर पे बनाई है। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक स्टे फिट स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।